गाइस सो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज हम बनाएंगे पीनट बटर की डालगोना कैंडी। सो आई डोंट नो कि वो कैसी बनने वाली है, लेकिन क्योंकि मैंने कभी बनाई भी नहीं है इससे पहले पीनट बटर की डालगोना कैंडी, एंड मेरे को पैन ही नहीं मिल रहा तो मैंने कढ़ाई में रखा है। सो हम पीनट बटर पहले तो निकाल लेते हैं। बहुत टाइट है ये, अरे निकल ही नहीं रहा है। सो गाइस मैं आपको ये निकालने के बाद मिलती हूँ। सो गाइस हम इसे निकाल लेते हैं। सो मैंने निकाल लिया है चमचा भर के एंड डल नहीं रहा है। डल गाइज ये कहाँ से डलेगा भी नहीं। सो मैं आपको डालने की भी बात मिलती हूँ, ठीक है। गाइज मैंने डाल लिया है इसके अंदर पीनट बटर एंड ये देखो हम इसको पहले तो 2 मिनट करेंगे। एंड मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं इसमें चीनी डालूं कि नहीं, क्योंकि ये मतलब थोड़ा बहुत ही हो रहा था एंड पीनट बटर है तो वो ऑलरेडी थोड़ा मीठा होता है। सो उसमें चीनी डालनी चाहिए कि नहीं, लेकिन डालनी पड़ेगी क्योंकि वो मेल्ट ही नहीं हो रहा था इसीलिए। सो चीनी ले लेते हैं हम थोड़ी सी और। तो हम चीनी डाल रहे हैं इसके अंदर, ठीक है, भर के पूरा। एंड मुझे नहीं पता ही क्या बनने वाला है। मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ पीनट बटर की डालगोना कैंडी, ठीक है। एंड गाइस ये ना मेरी मतलब मैं बहुत दिन बाद शूट कर रही हूँ, आज 5-6 दिन हो गए हैं क्योंकि मैं बहुत बिजी थी। मुझे ना काम था एंड शादी भी अटेंड करनी थी, एंड अभी एक और शादी अटेंड करनी है मेरी सिस्टर की है, ठीक है। तो शायद से मैं 2-3 दिन तक शूट नहीं कर पाऊँगी, लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मतलब यार। सो गाइस मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँगी करने का, मतलब क्योंकि वहाँ पे रूम्स होंगे ना, क्योंकि मैरिज के बाद तो रूम्स वगैरह में ही जाएंगे, फंक्शन भी होंगे, तो फंक्शन के बाद जब हम लोग रूम्स में जाएंगे तब मैं वहाँ पे शूट कर सकती हूँ, ठीक है। लेकिन अभी की बात अभी करते हैं क्योंकि मुझे वो तो बाद में जाना है, एंड अभी की बात अभी करते हैं। अभी मैं डालगोना कैंडी बना रही हूँ, ठीक है, एंड उसमें पीनट बटर में वो चिपक गई, चीनी चिपक गई, तो मुझे और डालनी पड़ेगी चीनी उसमें। मतलब गाइस पीनट बटर में चीनी पूरी चिपक ही गई, मैंने सोचा था मेल्ट होएगी, मेल्ट हुई नहीं, चिपक और गई। थोड़ा हाई फ्लेम करना पड़ेगा इसको, एंड ये कढ़ाई है तो आई होप कि ये बर्बाद ना होए मेरे पैन की तरह, क्योंकि कढ़ाई और पैन में क्या ही डिफरेंस होता है। वो पैन थोड़ा सा चपटे टाइप का होता है, ये थोड़ी सी डीप होती है। ये हो ही नहीं रहा है, वो पता नहीं क्या है, ये घुल ही नहीं रहा है इसमें। पता नहीं मैं क्या, कोई लिक्विड, क्योंकि ये लिक्विड तो था ही, मतलब उसमें सॉलिड क्या था, पीनट बटर लिक्विड ही तो होता है वैसे थोड़ा थोड़ा, लेकिन ये अब हो ही नहीं रहा है। और ये पता नहीं क्या बन गया है, और मैं इसमें बेकिंग सोडा बहुत ज़रा सा डालने वाली हूँ, क्योंकि मैंने जब अपनी वो बनाई थी एक और डालगोना उस समय मैंने शूट ही नहीं किया। मैं बना रही थी, आधी बनते बनते ना मेरा फ़ोन की पूरी मतलब स्विच ऑफ हो गया था, चार्जिंग ख़त्म हो गई थी पूरी, पता नहीं क्या हुआ था, पूरी चार्जिंग ख़त्म हो गई। एंड इसकी ना थोड़ी सी बैटरी गड़बड़ है, इसीलिए 56% में बोल गई थी। तो कोई बात नहीं, मैंने उस दिन फिर आधी बना ली थी, तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अब शूट नहीं कर सकते हैं तो ऐसे ही बना लेते हैं, तो मैंने ऐसे ही बनाई थी। एंड उसमें बेकिंग सोडा थोड़ा सा ज़्यादा डल गया था, सो उसमें बहुत ही गंदा टेस्ट आ रहा था, मैंने फेंक दी उठा के उसको। सो फिलहाल अभी मैंने ये बनाया है, एंड बेकिंग सोडा मैं बहुत ज़रा सा डालूँगी, वो ना डालने के बराबर ही होएगा आई थिंक, बहुत थोड़ा सा, इतना भी नहीं डालना है, इतना ज़रा सा भी नहीं, थोड़ा सा और डाल सकते हैं। तो इसमें बहुत मतलब आ चुके हैं ये सब, मैं बहुत एक ये जो आपको दिख रहा है ये बस इतना डालूँगी, बहुत ज़रा पिद्दा सा बिल्कुल, इसके सिवा मैं बिल्कुल नहीं डालने वाली हूँ। ये एक मैं उठा ही ले रही हूँ पिद्दू सा बस। सो गाइस वो ना पीछे मेरी मम्मा आ गई थी, आपको आवाज़ आई होगी मिष्टी करके, ठीक है। तो वो मुझे गुलगप्पे खिलाने आई थी, वो नीचे से उनको मिले थे इसीलिए। एंड गाइस ये मेल्ट नहीं हो रहा है, लेकिन मैंने इसमें बेकिंग सोडा डाला है तो इसका हाल देख सकते हो। एंड मेरे पास ना वो मतलब पक्के वाले जो होते हैं ना, क्या बोलते हैं, मेटल के वो नहीं थे, सो ये प्लास्टिक का एक मेरे को मोल्ड मिला था, ठीक है, पर वो भी पता नहीं कहाँ से मिला था, मुझे याद भी नहीं है, मेरे भाई ने दिया था, तो मैंने सोचा चलो वॉश कर लेते एक बार,
वॉश तो करना ही पड़ेगा ना। मैंने बस इसको कर लिया, बना लिया, हलवे जैसा लग रहा है थोड़ा सा, ठीक है। एंड अब मैं बस लूँगी अपनी एक ऐसी सी प्लेट एंड मैं उसके ऊपर इसको डालने वाली हूँ। सो मैं आपको डाल के मिलती हूँ। सो गाइस, ये मैंने बाहर निकाल लिया है, ठीक है। एंड वो बहुत ही ज़्यादा मतलब चल रहा है। एंड मैं इसकी ना ये बना रही हूँ बर्ड, एंड घुस नहीं रही थी तो मैंने ऐसे मार मार के घुसाई है इसको। एंड गाइज, मेरे ना इस फ़ोन में शॉर्ट वीडियो नहीं बनती है, सॉरी। लेकिन एक सेकेंड, इसको फ्रीज़ करना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी तक बनाई थी ना, वो बनती नहीं थी, लेकिन ये देखो गाइज बहुत अच्छी बन रही है, बहुत अच्छी बन चुकी है, आई मीन। और इसको मैं प्रेस करना है, पहले ही निकले जा रहा है, निकले जा रहा है। हलवे टाइप का नहीं बन जाता है जैसे, क्योंकि पीनट बटर का पता नहीं। अब हम इसको कर देते फ्रीज़, मैं आपको फ्रीज़ करने के बाद मिलती हूँ। सो गाइज, ये हमारा फ्रिज हम खोल रहे हैं, ठीक है। एंड उसको फ्रीज करने के लिए रख देंगे ऊपर, और वो एक मिनट बस लगता है उसको फ्रीज होने में। वो अच्छी तरीके से फ्रीज हो जाती है। सो मैं आपको फ्रीज करने के बाद मिलती हूँ। जब वो फ्रीज हो जाएगी तब मैं आपको दिखाऊंगी थी। सो गाइज, 1 मिनट हो चुके हैं एंड खोल के देखते क्या हाल हुआ है हमारी डालगोना का, क्योंकि पहले तक तो ठीक थी। एंड मैंने इसको मोल्ड के साथ ही फ्रीज करने रख दिया। मोल्ड में बाद में निकाल लेती हूँ। सो मैंने इसको मोल्ड के साथ ही फ्रीज करने के लिए रख दिया था। एंड ये निकल गया, आई डोंट नो व्हाट, ये निकल भी गया इतनी आसानी से। एंड लेट्स टेस्ट इट, क्योंकि मुझे इसका टेस्ट गड़बड़ लग रहा है। 1 मिनट के बाद ये जमा तो नहीं लग रहा है, अभी भी गर्म है, अभी भी इसको करना पड़ेगा गाइज। ये थोड़ा सा गड़बड़ा गया है। सो हम बस स्पून लेंगे, नहीं स्पून नहीं बर्बाद करेंगे, वरना मम्मी हमको धो देंगी, कितने बर्तन बर्बाद कर चुके हो तुम सबसे। सो हम इसको ऐसे मतलब प्रेस करके अच्छे से एक पूरे में कर देंगे, क्योंकि वो पीसेस में कन्वर्ट हो चुका है, पता नहीं क्या हुआ है, हलवे टाइप का नहीं लग रहा है। अरे मेरा हाथ जल गया। इसको ऐसे करके ऐसे ऊपर लगा के, जैसे होता है ना कुकिंग चैनल टाइप की फीलिंग आ रही है। एंड अब इसको हम ऐसे करके डाल देंगे, ऐसे करके डाल देंगे। सूजी का हलवा बन रहा है, ऐसे करके डाल देंगे। एनीवेज, लेकिन पता नहीं क्या है, ये टूटे जा रहा है, टूटे जा रहा है, जॉइन ही नहीं हो रहा है, टूटे जा रहा है, टूटे जा रहा है, जॉइन ही नहीं हो रहा ना, मोल्ड उसमें लग रहा है। पहली वीडियो में मैंने मोल्ड के साथ डालगोना बनाई है और उसी वीडियो में नहीं बन रहा। देखो ये मेरा मोल्ड ख़राब है या पता नहीं क्या ख़राब है। सो गाइज, ये हमारी डालगोना बनी है, हम इसे टेस्ट करके बताते हैं। रुकना, प्रसाद लग रहा है। सो गाइज, इसका टेस्ट तो ठीक ठाक है, मतलब अच्छा है, नहीं अच्छा नहीं है, टेस्ट ठीक ठाक है, एवरेज। एंड ये सूजी के हलवे टाइप लग रहा है। सो गाइज, तब तक के लिए बाय बाय, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। एंड ये आइडिया मुझे खुद नहीं आया था, किसी ने मुझे दिया था आइडिया पीनट बटर किस बनाने के लिए। सो गाइज, ऐसे ही बड़े बड़े आइडियाज़ देते रहिए आप, आइडियाज़, ठीक है। एंड तब तक के लिए बाय। अब आप लोग ये ट्राई कर सकते हो, एंड हम लोग को मिलता है हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय।